Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to discuss about the doubts and mistakes in revision test paper May 2018 old syllabus exam. So we are not solving all the questions in this video, but we are going to refer to each question and I'm going to tell you if there is any mistake in that question or if there is any doubt that might come up to you while solving those questions. So I'm not going to take much of your time in this period, and let's start with the first question of the revision test paper old syllabus. So this is in front of you. Revision test paper May 2018 old syllabus. The very first question is based on the Hilliard's model, dependent and independent cash flow. This question is from the capital budgeting chapter. Now what doubt that can come up with you is that ki aap dekhna dhyan mein dhyan se isme yahan pe clearly unhone Hilliard's model karke naam use kiya hua hai, but if we go in the practice manual, this question is same from the practice manual. In practice manual kahan hai, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने वर्डिंग्स ऐसी यूज नहीं की थी. ये वाले एरिया पे कोई ऐसी वर्डिंग्स यूज की नहीं हुई है. उन्होंने यही चीज बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो. अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता था प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करते समय पे कि सर यहाँ पे ये लोग बताते ही नहीं है, या फिर यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है, या फिर हम कहाँ से पता लगाएंगे कि यहाँ पे हमको हिलियर्स मॉडल यूज करनी है. सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन रेज किया गया इंस्टीट्यूट के सामने, तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा उसको अपडेट करके उन्होंने रियलाइज किया कि यस देर इज अ मिस्टेक इन दैट इफ यू आर नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कि कैसे सॉल्व करना है. सो रिवीजन टेस्ट पेपर में उन्होंने क्लियरली नाम लिखा है. तो अभी भी अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करते समय अगर आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा कि कैसे पहचानना वेदर दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज और वी हैव टू यूज Hilliard's model in that, so don't worry about it. My expectation is if it is going to come in the exam from now onwards, they are going to make sure that they specifically provide it. Okay, so this was the first thing I wanted to tell you. Dusri cheez dekhte hain. The second question is of the leasing decision. Okay, leasing decision ke question mein अगर आप आंसर देखोगे, ये आंसर है. ठीक है, कुछ 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 बच्चों का ये बोलना था कि सर यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दिया और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है 12,000 एनुअल निकाल ली. लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करके इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया. बहुत ही जायज सी बात थी. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सम इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट. वेयर दिस वर्ड प्रिंसिपल इज स्पेसिफिकली यूज, इसका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही, इसका मतलब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, उसके अलावा इंटरेस्ट अलग से लगेगा. सो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करते हो तो 12,000 रुपए प्रिंसिपल का रीपेमेंट आता है, एंड दैट्स नॉट द एंटायर रीपेमेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा. सो दिस इज इट. एंड द सेकंड थिंग क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन भले ही आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से दिया हुआ है, यह ध्यान दो, आपको स्ट्रेट लाइन बेसिस से डेप्रिशिएशन दिया हुआ है. नॉर्मली आप क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिशिएशन निकालना है तो आप कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करते हो. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी. बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है द फुल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर विल बी रिटर्न ऑफ. मतलब अब आपका डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला सिंपल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ही रहेगा. सैलवेज वैल्यू उसमें से माइनस नहीं करोगे. सैलवेज वैल्यू क्यों माइनस करते थे? सैलवेज वैल्यू इसलिए माइनस करते थे, मतलब सैलवेज वैल्यू माइनस जब हम करते थे तब हम एंश्योर करते थे कि मान लो यहाँ पे कितना है, चलो एक फिगर ले लेता हूँ, 1,000 रुपए का असेट है, 100 रुपए की सैलवेज वैल्यू है, तो हम इंश्योर करते थे उस केस में कि 900 रुपीज राइट ऑफ हो जाए और 100 रुपए 5 साल के एंड में बुक्स में वैल्यू दिखे. बेचने जाऊंगा तो 100 रुपए मिलेगा, बुक्स में भी 100 रुपए, देर इज नो गेन और लॉस. बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका बदल जाएगा. यू हैव टू डू कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ. पूरा कॉस्ट
1,000 रुपए का, इस केस में 60,000 रुपए का आपको राइट ऑफ करना है। अब एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर पूरा तो राइट ऑफ हो चुका है, बुक्स में कितना दिखेगा? जीरो। बुक्स में जीरो दिखेगा तो जितने में भी बेचोगे वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन कहलाएगा। ऑब्वियसली उस कैपिटल गेन, उस इनकम में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिए हुए आई थिंक 8% कमीशन, वो माइनस होने के बाद जो बचेगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में आंसर में उन्होंने गेन निकाला है। क्वेश्चन डाउट्स बच्चों का ये आया था कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे दिया हुआ है क्लियरली, तो इसमें गेन क्यों आ रहा है और ये लोग टैक्स क्यों ले रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट, फुल कॉस्ट राइट ऑफ किया हुआ है ये भी दिया हुआ है, दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट। बाकी इस क्वेश्चन में आज सच कुछ नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, लीजिंग चैप्टर में पूरी पूरी इंडिया का ही ये सवाल होता है कि सर लीजिंग चैप्टर में डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज करना, कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया होता है, कभी लीजिंग कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स यूज किया हुआ होता है, हमने कौन सा यूज करना, कौन सी सिचुएशन में, कोई इसका रूल है क्या? एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे पहला रूल ये है कि अगर इंस्टीट्यूट ने इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हैं आपको उस क्वेश्चन के एंड में, तो वो ही रेट यूज करना है। अब ये 11% पे दिया हुआ और 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है, आपको डिस्काउंटिंग के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज करना है, ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है। ये सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है कि कोई अलग अलग रेट ना यूज करे, सब एक रेट यूज करके एक ही आंसर आए, ताकि पेपर चेक करने में भी आसानी होगी, ठीक है। सर अगर ये नहीं दिया होता तो कौन सा यूज करते हैं? अब मैं बताता हूं, तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% भी यूज कर सकते हो, आप कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स भी यूज कर सकते हो, मेरा प्रेफरेंस इसको जाएगा नॉर्मली कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स यूज करो, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करो। अल्टीमेटली मैं फिर से ये बोल रहा हूं, दोनों भी यूज करोगे तो वैल्यूज चेंज होगी, डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन लीजिंग और बोरोविंग एक ही रेट से डिस्काउंटिंग हो रहा है, तो वैल्यूज बदलेगी लेकिन डिसीजन चेंज नहीं होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो ही लेने चाहिए जो अगर क्वेश्चन में दिए हुए हो, तो फिर चेंज किया आपने कुछ भी और, अब लिया KD-1 - T मतलब टैक्स अगर इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर गलत कहलाया जाएगा, फिर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिविडेंड डिसीजन, ये है मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच पे। इसमें अभी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अपना अप्रोच बदला है, इसलिए ये डाउट्स आना शुरू हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखो, नहीं सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ अच्छा, मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच में ना तीन चीजें आप कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले कैलकुलेट करते हो मार्केट प्राइस P1, उसके बाद कैलकुलेट करते हो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद कैलकुलेट करते हो मार्केट वैल्यू। इन दो में कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाती बच्चों को, सेम अप्रोच फॉलो कर रहा है इंस्टीट्यूट हर जगह पे, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट ने दो अलग अलग तरीके यूज किए हुए हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अगर मेरे पास मिल जाए तो। नहीं, मैंने निकाल के नहीं रखा यहाँ पे, बट रेफरेंस दिया आई थिंक मैंने, देखता हूँ, देखो रेफरेंस है 4.17 स्टडी मटेरियल, ये मैंने निकाल के रखा ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना करो ढूंढने में, तो मैं स्टडी मटेरियल पहले देख लेता हूँ। नहीं यार, स्टडी मटेरियल 4 पॉइंट क्या था, मैं भी भूल गया। फोर पॉइंट सेवनटीन क्या ओपन कर रहा हूँ मैं, 4.17, अब ध्यान देना, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेम वैसा का वैसा ही, थोड़ा सा फिगर्स और नाम वगैरह चेंज होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शो हाउ अंडर मॉडिग्लियानी मिलर हाइपोथेसिस द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ने निकाला P1, ये रहा, ठीक है। उसके बाद निकाला कि कितने और शेयर्स इशू किए जाने चाहिए, वो नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये उन्होंने निकाला कि इतने शेयर्स हमको और इशू करने चाहिए, उसके बाद उन्होंने निकाला मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर ध्यान देंगे तो ये उन्होंने मार्केट वैल्यू निकाली है, इसमें इनका ये है फॉर्मूला कि
एक तो नंबर ऑफ शेयर बिगिनिंग में कितने थे, फिर चेंज इन नंबर ऑफ शेयर मतलब और कितने इशू किए, तो ये हो गए आपके क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स को आपने क्लोजिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस किया, फिर अर्निंग्स उसमें ऐड की, डिवाइडेड बाय आपने 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया। तो ये फॉर्मूला बना मार्केट वैल्यू का, मैं आपको ज़रा सा दिखा देता हूँ। ध्यान दो, ये हम चालू कर रहे हैं मॉडिग्लियानी मिलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखना फॉर्मूला क्या बोलता है। ये है P1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जनरली आपको ये फिगर दी होती है, ये और ये सब दिया होता है, ये कैलकुलेट करते हो आप। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस D1। ठीक है, चार्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको वैसे, ये है चेंज इन नंबर ऑफ शेयर दूसरी मेथड, और तीसरा, अरे तेरी, हाँ तीसरा इन्होंने नहीं दिया क्या यहाँ पे? चलो मैं दूसरी जगह से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, इन्होंने कहीं और दिया होगा। आई थिंक इन्होंने यहाँ से उसको हटाया है, बट फॉर्मूला से मैं आपको समझा सकता हूँ अभी। आई थिंक बस वही बचा हुआ है, इन लोगों ने सारी चीज़ हटाई है। करना क्या है मैं आपको ये बताऊँगा, ये है फॉर्मूला, ये पहले स्टडी मटेरियल में था, अब मेरे को नहीं दिख रहा, आई थिंक कहीं होगा, मैंने देखा था। तो ये फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का, लेकिन अभी क्या किया हुआ है, अभी क्या किया हुआ है ये हम देखते हैं। ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये उन्होंने सबसे पहले तो P1 कैलकुलेट किया, फिर चेंज इन नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किया, और ये वैल्यू कैलकुलेट की। वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमने स्टडी मटेरियल में क्या फॉर्मूला देखा था, मैं बताता हूँ आपको, ये रहा P0, सॉरी N0 प्लस चेंज इन नंबर ऑफ शेयर P1 और माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन यहाँ यहाँ क्या फार्मूला यूज़ किया हुआ है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल N1 यानी कि ये इतना पार्ट, ठीक है, इनटू P1 यानी कि ये वाला पार्ट, और कहानी ख़त्म। सर क्वेश्चन ये है कि अब कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना चाहिए? तो अगर आपने कहीं क्लासेस लगाई होगी तो हाँ ये पॉसिबल है, आपको ये वाला फॉर्मूला बताया होगा और वो सही भी है, पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल में था, लेकिन जितने भी नए अपडेट्स आए या अपडेटेड मटेरियल आया, उन्होंने ये फॉर्मूला को कर दिया डिस्कार्ड और अब ये यूज़ कर रहे हैं। तो आंसर क्या पता है, मेरी तरफ से, अगर मेरी तरफ से पूछो तो दोनों दोनों अप्रोच सही है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने की, किसी से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे को ये वाली ही लगती है। ये आपकी अगर टाइमलाइन है तो पुरानी मेथड के हिसाब से मार्केट वैल्यू यहाँ की कैलकुलेट करके दिखाते थे आप 0 पॉइंट की, लेकिन नई मेथड के हिसाब से मार्केट वैल्यू यहाँ की कैलकुलेट होती है एंड ऑफ द ईयर की। देखना नीचे में डिस्काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आई बात आपके समझ में? सो अब क्वेश्चन में आपका डाउट ये आता है कि सर हमने कौन से अप्रोच फॉलो करना, अगर अब क्वेश्चन में आए तो पुरानी अप्रोच ठीक है, दोनों सही है, आपने ये बता दी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमको एक जवाब दो। हमारा ये जवाब है कि आपने मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर यानी N1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर करो, कहानी खत्म। दोनों, वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट, दोनों में वैल्यू सेम आएगी, यही अप्रोच आप फॉलो करना आगे से भी। 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, मैं आपको बताता हूँ अब। इतना जो पार्ट है, सॉरी, इतना जो पार्ट है यह है मई 2018 आरटीपी का, इतना जो पार्ट है यह है मई 2017 के मॉक टेस्ट पेपर का, जो मार्च 2017 में लाया गया था। क्वेश्चन को आप पढ़ के देखना, दोनों क्वेश्चन
हर चीज में सेम है। बस एक गलती इंस्टीट्यूट ने अब की है वो ये है कि इन्होंने यहाँ लिखा 80 करोड़ इन एक्सचेंज, जहाँ जबकि यहाँ लिखा है 400 करोड़ इन एक्सचेंज। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आंसर अगर आप देखोगे ना तो आंसर भी सेम है दोनों के। आंसर में भी आपको डाउट आएगा कि ये 400 करोड़ पे 1.6% उन्होंने कैलकुलेट किया। 1.6 से कितना है, 1.15 समथिंग, जो भी परसेंटेज होगा अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ, 1.15% आई थिंक कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो 400 पे कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 80 करोड़ दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपके क्वेश्चन में ठीक कर लो, वो है ये वाली, सॉरी, वो है ये वाली प्राइस, इसको कर लो 400 करोड़। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। अगर आप इसको 400 करोड़ कर लोगे, अब आंसर को इंटरप्रेट करोगे, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है सर, चौथे क्वेश्चन में बस इतना ही था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मई 2017 के टाइम पे मार्च में मॉक टेस्ट पेपर में पूछा था, तब सही था। उसके बाद जहाँ जहाँ इन्होंने दिया 80 करोड़ यूज़ किया, जो कि गलत है। एटलीस्ट 80 करोड़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना आंसर तो भी बदलना चाहिए। चलो कोई नहीं, पांचवे क्वेश्चन में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं पांचवे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। दिस सिक्स्थ क्वेश्चन इज अबाउट द फ्यूचर्स प्राइस। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस मैनुअल में भी सेम उन्होंने लिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में फ्यूचर्स की प्राइस निकालनी है, कहाँ है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ्स पी क्यू आर फ्यूचर, अगर आपको दिख रहा होगा। सो 3 मंथ पी क्यू आर फ्यूचर्स की प्राइस निकालनी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने 1 मंथ का बॉरोइंग रेट दिया हुआ है 15%, विच इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स फ्यूचर्स। वाई, 1 मंथ बोरोइंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 15% ये पर एनम है, 1 मंथ का नहीं है। तो 15 × 12 करने की तो सोचना भी मत, 180% नहीं होता किसी भी साल में रेट। 15% ये पर एनम है, लेकिन 1 मंथ के बोरोइंग के लिए। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि अगर आप 1 महीने के लिए, सिर्फ एक और 1 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको पर एनम रेट 15% लगेगा। यानी लॉजिकली स्पीकिंग 15/12 ये आपका फाइनल रेट होगा। ठीक है, आता है 1.25%। बट सर हमको 1 महीने के लिए लोन चाहिए ही नहीं, हमको ऐसे कंसिडर करना है फ्यूचर्स की प्राइस को कि 3 महीने के लिए हमको पैसा लगेगा। सो ये एक्चुअल में होना चाहिए था 3 मंथ का रेट, 3 मंथ्स बोरोइंग रेट 15%, तब सब कुछ सही होता। 15% पर एनम रेट है पहले भी अभी भी, बस 1 मंथ की जगह 3 मंथ होना चाहिए था क्वेश्चन में। मैं आंसर नहीं बदल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही बदल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गलती है। उसके बाद में ये था दूसरा, यील्ड है 25% पर एनम। अब सर पर एनम दिया तो क्या 4 महीने में इसको या 3 महीने में कन्वर्ट करना, नहीं, वो गलत हो जाएगा। 25% पर एनम यील्ड दिया हुआ है। मिस्टेक उन्होंने क्या की, यील्ड लगता है मार्केट प्राइस पे लॉजिकली। और अच्छा, दो चीज़ें होती है, ठीक है, एक तो होता है यील्ड डिविडेंड का और एक तो होता है डिविडेंड का रेट। रेट अगर 10%, सॉरी, अगर मैं 25% बोलूं और यील्ड अगर 25% बोलूं, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। रेट लगता है फेस वैल्यू पे, यील्ड लगता है मार्केट प्राइस पे। यील्ड यानी कि और कुछ नहीं, रिटर्न है। ठीक है, इन्होंने क्या गलती की, ध्यान दो, इन्होंने क्या गलती की, 25% को उन्होंने लगाया फेस वैल्यू पे, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से समझू, ठीक है, तो मिस्टेक क्वेश्चन में, आंसर में नहीं है, उन्होंने जो लगाया वो सही है। यहाँ एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कि ये सर यील्ड नहीं है, रेट है। सर डिविडेंड रेट इज 25% पर एनम, और अगर रेट होता है तो पूरा अमाउंट कंसिडर करते। डिविडेंड में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड जब बांटा जाता है तब जो भी शेयर होल्डर होता है उसके पहले रिकॉर्ड डेट पे उनको पूरा अमाउंट मिलता है। ऐसे आधा इसको या आधा इसको नहीं बांटा जाएगा कि 6 महीने शेयर आपने रखे थे, 6 महीने शेयर आपने रखे थे, तो हम जो साल भर का डिविडेंड बांट रहे हैं 10 रुपये, उसमें से 5 रुपये आपको दे देंगे, 5 रुपये आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता। रिकॉर्ड डेट पे अगर वो शेयर होल्डर है, भले उसने 6 महीने ही होल्ड किया हो और मैंने पूरे साल भर का डिविडेंड 10 रुपये बांटा, तो उसी को 10 रुपये जाएगा। सो 10 रुपये पूरा कंसिडर करते हैं, आधा आधा नहीं करते। तो सर ये एक बिल्कुल भी मत सोचना कि 25% का मैं 3 महीने में कन्वर्ट कर लेता हूँ, गलत। ठीक है, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट के ये क्वेश्चन में गलत है कि ये रेट होना चाहिए था, यील्ड नहीं होना चाहिए था। अब मैंने दो करेक्शन बताया, 1 मंथ बोरोइंग रेट, 3 मंथ बोरोइंग रेट होना चाहिए था, यील्ड की जगह रेट होना चाहिए था। अब आती है बारी आंसर पे। इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में इंस्टीट्यूट ने यूज किया स्पॉट। अब भाई साहब रुको,
इंस्टीट्यूट ने यूज किया स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस डिविडेंड। यस दिस इज करेक्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला डिराइव हुआ, इसी से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला डिराइव हुआ। इसमें पता क्या नहीं कंसिडर किया गया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये बेसिक है उस टाइम पे नहीं। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी डालते हो तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपने अपने क्लास नोट्स में पढ़ा होगा, 1 + r^t, ठीक है, या फिर फ्यूचर्स का फॉर्मूला s·e·r·t। ये सही है, ये दो फॉर्मूले उसके बाद आते हैं यार, एक बेसिक होता है। जैसे सबसे पहले आइसक्रीम का नाम लो तो सबसे पहले बनाई गई आइसक्रीम थी वैनिला आइसक्रीम, मान लो इसलिए उसको प्लेन वैनिला बोलते हैं, नो फ्लेवर नथिंग, एकदम बेसिक। अब उसके अंदर आप फ्लेवर्स ऐड करते जाते हो सिचुएशन और मूड के हिसाब से कि भैया हाँ उनको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट वालों को चॉकलेट आइसक्रीम दे दो, इनको बटर स्कॉच पसंद है उनको वो दे दो, और ये सर ठीक है ड्राई फ्रूट वालों को ड्राई फ्रूट दे दो। बस ऐसे ही फॉरवर्ड में सिचुएशन अलग आती है तो अलग फॉर्मूला बना, फ्यूचर्स में कंटिन्यूस कैश फ्लोज होते हैं मार्जिन अकाउंट में तो फॉर्मूला अलग बना। अब आप अच्छा अब इन सर हमने क्या करना, अगर आप एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करते हो तो गलत नहीं है। एग्जाम में जितनी बार भी फ्यूचर्स का क्वेश्चन पूछा गया, जहां तक मेरा नॉलेज है, हर बार फ्यूचर्स में यही फॉर्मूला एग्जाम में यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में भी सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें हमको ये बताओ, एग्जैक्ट सिचुएशन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तो, अगर एग्जैक्ट आंसर याद आता है प्रैक्टिस मैनुअल का यानी कि वो रटा हुआ हो तब, तो वो का वो लिख के आओ। नहीं भी तो अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो सही है, ये फॉर्मूला लिख रहे हो सही है, ये फॉर्मूला लिख रहे हो सही है, बट 90% टाइम अगर क्वेश्चन अलग आया ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मत लिखना, स्पॉट ऑफ कैरी कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। ये दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड के टाइम पे फ्यूचर्स के टाइम पे। सर अगर क्वेश्चन फॉरवर्ड का आया तो क्या फ्यूचर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? मत करना। क्वेश्चन फ्यूचर्स का आया तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, गलत है लॉजिकली मेरे हिसाब से, कर सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट ने इस चीज को फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बीच जो डिफरेंस है इसको सीरियसली नहीं लिया, गलती नहीं है, सीरियसली नहीं लिया एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्राइस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5.39 प्रैक्टिस मैनुअल, ध्यान देना, कंपेयर करके बताऊंगा आपको मैं। एक आइडिया आ जाएगा अपन को। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 प्रैक्टिस मैनुअल 2017, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दिया हुआ क्या है यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, एफ इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट 1 + r वाला फॉर्मूला है, या t·r कर लो अगर अंदर ही रेट, अगर 3 महीने का ले रहे हो तो t करने की जरूरत नहीं, एफ इज इक्वल टू एस इंटू 1 + r। सर ये तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, फ्यूचर्स का फॉर्मूला तो ये होता है s·e·r·t, ये क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सीरियसली नहीं लिया, इंस्टीट्यूट ने सीरियसली नहीं लिया, इंस्टीट्यूट को लगता है कि दोनों फॉर्मूले सही है, तो इंस्टीट्यूट ने नीचे में नोट दिया, इंस्टीट्यूट ने नीचे में इसी क्वेश्चन में नोट दिया। सर नोट में क्या दिया उन्होंने? ये बोला बच्चों आप ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज डेली कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, डेली कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यानी कि ये, समझ में आया आपको? क्वेश्चन फ्यूचर्स का है लेकिन इंस्टीट्यूट ने दोनों ऑल्टरनेटिव बताया, फॉरवर्ड का फॉर्मूला भी फ्यूचर्स का फॉर्मूला भी, इसका मतलब यही है इंस्टीट्यूट इज नॉट टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सीरियसली, दैट्स वाई और भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे फ्यूचर्स की प्राइस पूछ के फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। आपका क्या सजेशन है सर? दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है, आप कोई भी चीज यूज करो, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट चीजें अगर आपको करनी है इस केस में तो मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। अगर क्वेश्चन फॉरवर्ड का आता है, अगर क्वेश्चन फॉरवर्ड का आता है तो यूज दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट 1 + r। अगर क्वेश्चन फ्यूचर्स का आता है यूज दिस फॉर्मूला s·e·r·t। सर एक थोड़ा सा बता दोगे कि ये फॉर्मूले में डिफरेंस क्यों आता है?
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो यहाँ पे, या फिर मैं आपको बताता हूँ, जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे, तो उसके बाद जब कैश फ्लो ना डायरेक्ट मैच्योरिटी पे होती है, बीच में कोई ना कैश का लेन देन शुरू नहीं रहता, कंटिन्यूअस नहीं रहता। लेकिन जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना यहाँ पे एक्सचेंज के साथ में, आपको इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ता है, और उसके बाद डेली और कंटिन्यूअसली प्राइसेस मार्केट में जैसे जैसे चेंज होती है, आपके मार्जिन अकाउंट में कैश फ्लो का आना जाना लगा रहता है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट होते रहता है। सो कंटिन्यूअसली कैश फ्लो आपके मार्जिन अकाउंट ऊपर नीचे चलता रहता है। सो कंटिन्यूअस कैश फ्लो होता है। कंटिन्यूअस कैश फ्लो यानी कि टाइम वैल्यू कंसिडर करना है तो कंटिन्यूअस रेट यूज़ करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द लॉजिक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी जगह पे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आरटीपी फटाफट फटाफट लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ओल्ड सिलेबस, आरटीपी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ओके, आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो मैं आपको समझा दूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, मार्केट प्राइस के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। मार्केट प्राइस के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। स्टूडेंट्स का बोलना था, सर हम क्या वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, लाइक इंटरेस्ट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सर उससे ना तकरीबन आंसर हमारा कुछ 860 या समथिंग कुछ तो आ रहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। क्वेश्चन में सर 834 है हमारा, 860 आ रहा है। सर इंस्टीट्यूट वाले मार्क्स तो नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, दोनों फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया हुआ है टाइम टू टाइम हर जगह पे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा है सर? मैं बोलूंगा ये वाला, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होता है। जो इंस्टीट्यूट ने इसमें लिया है वो उसमें एवरेज मेथड यूज़ की हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, बॉन्ड वैल्यूएशन सिक्योरिटी एनालिसिस में। मैंने सोचा था 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा वीडियो को, बोलना शुरू किया रुकता ही नहीं हूँ, बड़ी बुरी आदत है। हाँ, अब इसमें भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, आपको यही डिटेल दी गई थी और आपको पूछा गया करंट मार्केट प्राइस बताओ, ठीक है। अब इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? इन्होंने यूज़ किया सर ये वाला मेथड जो अभी आरटीपी में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एवरेज मेथड बोलता हूँ मैं उसको, या अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलता हूँ मैं आपको उसको, ठीक है। लेकिन इधर भी ध्यान दो, सिर्फ वही नहीं, उन्होंने ये भी मेथड यूज़ की हुई है। अब आप देखो यहाँ पे आंसर इसका 960 आ रहा है या 964 आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि इसमें डिटेल्स अलग अलग दी है तो अप्रोक्सीमेटली क्लोज आ रहा है, इट्स ओके। अगर अगर मेरा सिर्फ यही बोलने का मतलब है कि ये जो इन्होंने फॉर्मूला लिया है यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर किया ऑल्टरनेटिवली, यानी इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई साहब कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसी क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें और हैं, मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इन्होंने निकाला, ठीक है। ड्यूरेशन निकालने का इन्होंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया? ड्यूरेशन इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू निकाला, यानी कि वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, इनका इन्होंने यहाँ पे वेट निकाला, ठीक है, टोटल में 848 में। इसके बाद वेट को इन्होंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और उसके बाद उन्होंने किया समेशन, ठीक है, कर दिया। ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है क्या सर? यस, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने ऐसा भी कहीं सुना होगा ये भी सही है। इसके अलावा भी सर और एक फॉर्मूला है क्या? है, ड्यूरेशन इज इक्वल टू, सर मैं आपको एक ही जगह बता दूं क्या तीनों फॉर्मूले? ध्यान दो, ड्यूरेशन का एक फॉर्मूला यूज़ किया इन्होंने, समेशन ऑफ वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर। एक और फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला इजी क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई रहती है आपके क्वेश्चन में। और एक फॉर्मूला, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 + y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 + y प्लस (t)(c - y) डिवाइडेड बाय (c)(y)^(t-1)+y। यहाँ पे y यानी कि YTM, c यानी कि कूपन रेट, सॉरी और t यानी कि टाइम
टू एक्सपायरी, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों में से आप कोई भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, कोई और भी मेथड से आपने क्लास में किया होगा तो वो भी सही है। मतलब इन तीनों में से अगर कोई और मेथड यूज़ किया है इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मानने वाले आरटीपी में, सर ये मेथड है, तीनों मेथड सही है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, आइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आखिरी के जो दो पार्ट दिए हुए, सब पार्ट उसमें देखना, आपको पूछा है कि मार्केट प्राइस क्या होगी अगर इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 100 बेसिस पॉइंट और डिक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो आप क्या करोगे पता है, YTM जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, YTM 15%। आप 15 में 1% ऐड करके 16% लोगे और फिर मार्केट प्राइस निकालोगे, गलत आंसर आएगा। 15 में से 0.75 माइनस करोगे, 14.25 आएगा, उससे वापस आप मार्केट प्राइस निकालोगे। देखो दोनों वैल्यूज जो है शायद इंस्टीट्यूट ने जो किया है उसके हिसाब से मैच हो जाए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है आपका मार्केट प्राइस निकालने का। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट पहले वाले पार्ट में इंस्टीट्यूट वोलेटिलिटी पूछ चुका है कि क्या होगी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है फॉर्मूला नहीं, तो इस वोलेटिलिटी को इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप यहाँ पे यूज करो। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में मार्केट प्राइस निकाली जा सकती है वोलेटिलिटी से। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वोलेटिलिटी का जो परसेंटेज आंसर आया होगा ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये वोलेटिलिटी आई थी ना आपकी 3.974, इसका मतलब क्या पता है, अगर 1% से YTM ऊपर जाता है तो 3.974% से मार्केट प्राइस नीचे आती है, इनवर्स रिलेशनशिप। यही पूछ रहा है अगले वाले पार्ट में कि अगर 100 बेसिस पॉइंट से YTM ऊपर गया तो मार्केट प्राइस कितनी, इतने से मार्केट प्राइस गिर जाएगी, ये बताना है आपको। एग्जिस्टिंग कितनी सर, 848 है, 848 में से 3.974 हटा दो, 848 ही है ना, सॉरी 834 ले लो, जो ऊपर आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये तो टाइम वैल्यू कंसिडर करके 848 आया, दोनों में से दो कोई भी आंसर लो सही है, ये हो गया। और जहाँ पे 0.75 लिया, वहाँ 0.75 × 3.974 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उतने से मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि 0.75 से YTM गिर रहा है, ये ऐसे बताना है। वापस से आपको ये वाले कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना उसमें। अब आगे नाइन्थ वाला पार्ट ले लो। ओके, नाइन्थ वाला पार्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसमें एक डाउट आएगा। सर यहाँ पे ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक चीज़ देखो, 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट $140, ठीक है। क्वेश्चन में हमको ज़रूरत थी रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, ठीक है। तो आपने सोचा क्वेश्चन नंबर, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड तो रिस्क फ्री आइटम है, इंस्ट्रूमेंट है, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 7%। अब आपने आंसर देखा रिविजन टेस्ट पेपर में, और आपको आंसर में पता चला अरे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो 5% निकाला हुआ है। फिर आपने एनालाइज किया, उन्होंने क्या किया, 7/140 किया, तो उसका आंसर आया 5% रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। डाउट आया मन में, अरे 7% क्यों नहीं लिया, 5% क्यों लिया, मैं बताता हूँ आपको। ये जो 7% है, मैंने आपको इसके पहले बॉन्ड वैल्यूएशन में बताया, कूपन रेट और YTM ये दोनों अलग अलग चीज होती है। ये सिर्फ रेट होता है जो कि फेस वैल्यू पे लगता है, और ये होता है रिटर्न, इनकम, प्रॉफिट, जो भी बोलो, ये लगता है मार्केट प्राइस पे। अब आपको पूछा गया रिस्क फ्री, ये आपको पूछा गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरे को बताओ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट हुआ कि YTM हुआ, ये YTM होता है। और जो आपको यहाँ पे 7% दिया है ना, ये कूपन रेट है, कूपन रेट के नॉट बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो यील्ड है, RF जो है वो यील्ड है, रिटर्न है, कूपन रेट इज नॉट रिटर्न। सो दैट्स वाई यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यील्ड कैलकुलेट करते हैं, अगर बॉन्ड वैल्यूएशन में आपने देखा होगा करंट यील्ड का फॉर्मूला है, करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है सर, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितनी आएगी, 7% का ट्रेजरी बॉन्ड 140 पे ट्रेड कर रहा है, फेस वैल्यू अज्यूम करो $100, क्योंकि 140 पे ट्रेड कर रहा है, तो 7% लगा फेस वैल्यू पे, तो आंसर आया 7 इंटरेस्ट, मार्केट प्राइस 140, आंसर आया 5%, दिस इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है वो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड YTM, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द रिटर्न यील्ड, बट यू आर टेकिंग कंसिडरिंग 7% एज द रिटर्न, इट इज नॉट द रिटर्न, इट इज द कूपन रेट। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टरिंग, बस यही तो दिक्कत है। आइए देखो, सबसे ऊपर लेके जाता हूँ मैं आपको, यह है सर आरटीपी का क्वेश्चन, यह है सर प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन। आरटीपी के क्वेश्चन और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, फिगर्स के साथ, बस एक
छोटा सा चेंज उन्होंने रिवीजन टेस्ट पेपर में किया, इसको लिख दिया रिकोर्स बेसिस, जबकि पुराना वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उसको नॉन रिकोर्स मानो। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ भी नहीं लिखा था, नॉन रिकोर्स माना। नॉन रिकोर्स माना तो क्या होता है कि सर बैड डेब्ट जो होते हैं वो हम सेविंग्स में लेते हैं, ठीक है, नॉन रिकोर्स माना, प्रैक्टिस मैनुअल का ये आंसर है। तो हमने क्या किया, कहाँ गया सर, हमने कॉस्ट ऑफ बैड डेब्ट्स को सेविंग में कंसिडर कर लिए, ठीक है, ये फर्म्स की सेविंग हो गई। लेकिन आरटीपी में इन्होंने क्लियर लिख दिया रिसीवेबल्स ऑन रिकोर्स बेसिस, इसका मतलब बैड डेब्ट्स की सेविंग नहीं होगी, अब कंपनी खर्चा उठाएगी, बैड डेब्ट्स का खर्चा उठाएगी, यानी कि कंपनी का रिस्क बनता है बैड डेब्ट्स का। लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आरटीपी में उन्होंने बैड डेब्ट्स को भी एज अ सेविंग ले लिया। अब अगर आप देखोगे दोनों के आंसर, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर है 13.79, सॉरी, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर है सॉरी, रिवीजन टेस्ट पेपर में आंसर है 13.79, पीएम में भी आंसर है 13.79, सब कुछ सेम दिया हुआ है। जो कॉपी पेस्ट आंसर था प्रैक्टिस मैनुअल का उन्होंने कर लिया, मतलब जो आंसर था प्रैक्टिस मैनुअल का उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और आरटीपी में डाल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने क्वेश्चन बदला है तो आंसर भी बदलना चाहिए। तो अब दो चीजें हमने क्या करना, सिर्फ सीखो यहां से, प्रिंटिंग मिस्टेक को छोड़ दो, एग्जाम में क्या कर लेना देना है। अगर रिकोर्स है तो बैड डेब्ट्स की सेविंग मत लेना, आंसर बदल जाएगा। और अगर आप ये भी सोचते हो कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है नॉन वर्ड जो है वहां पे प्रिंट ही नहीं हुआ हो, क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेसिफाई करना चाहता हो कि नॉन रिकोर्स हो लेकिन नॉन वर्ड प्रिंट ही नहीं हुआ हो, तो आप नॉन रिकोर्स उसको कंसिडर करो तो आंसर सही है, रिकोर्स कंसिडर करो तो बैड डेब्ट्स की सेविंग मत लेना, ये ट्रीटमेंट आपको कंसिडर करना है एग्जाम में। अब छोड़ दो आरटीपी में क्या दिया हुआ है, उस पर लड़ना नहीं, तो ये चीज आरटीपी में गलत है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 का आएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऑलमोस्ट मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 14 14 में हाँ सर थोड़ी सी दिक्कत है, और अपडेटेड आंसर है इंस्टीट्यूट की तरफ से तो ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला था, तो क्वेश्चन ने एग्जाम में ये कंसिडर किया, पहले प्रैक्टिस मैनुअल में और कहीं पे भी ये जब क्वेश्चन था तब इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया गया, इसी को फाइनल माना, इसी को 10.05 यहाँ रखा और अकॉर्डिंगली ये फाइनल आंसर निकला। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने इफेक्टिव निकाला तो इफेक्टिव वाला मेथड यूज़ किया कि कंपाउंडिंग होगी, हर क्वार्टर में कंपाउंडिंग होगी, इसीलिए ये चार यूज़ किया गया यहाँ पे। अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ, ये चार यूज़ किया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने कंपाउंडिंग वाला रेट लिया, इफेक्टिव पूछा था इसलिए इफेक्टिव लिया, तो ये लिया और इसको यहाँ पे यूज़ किया और आंसर बदल गया। सो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, पहले वाला भी सही था एक तरह से, लेकिन अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आता है तो यही मेथड यूज़ करना, अगर इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया है आंसर गो विथ दैट, एंड यस लॉजिकली इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज मोर अप्रोप्रिएट, सो गो विथ दिस, ठीक है। सो ये आंसर आपका करेक्ट है, बदलना नहीं, मतलब अब इसके साथ जाना, पहले वाला छोड़ दो। फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फॉरेक्स के या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलो क्वेश्चन पे है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर बार आरटीपी में आता है, हर बार यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर में आता ही आता है। इसमें एज सच कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है सिवाय एक जगह के, आपको जो एक्सचेंज रेट दिया है, आपको जो एक्सचेंज रेट दिया है वो है अफ्रीकन रैंड टू रुपीज़ वन, आप इंडिया में हो, आपकी होम करेंसी है रुपीज़, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया वो अफ्रीकन रैंड बाय इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है, सिक्स, यानी कि आपकी होम करेंसी इज द बेस करेंसी इन दैट एक्सचेंज रेट, बेस करेंसी बोलो या अंडरलाइंग असेट बोलो, द वन विच इज लाइक द करेंसी विच इज वन इन यूनिट, INR वन है, अफ्रीकन रैंड सिक्स है, तो ये है कोट इनडायरेक्ट आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा याद रखना इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हो, मैं आपको यहां लिख देता हूं, कहां गया, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, या फिर देखो यहाँ आता है तो
ध्यान देना, अगर डायरेक्ट, अरे रे रे, ये क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन में कोटेशन डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के फॉर्मूले थोड़े रिवर्स हो जाते हैं। वन प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, वन प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू एफ बाय एस, ये होता है वन प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, सॉरी, और वन प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू एफ बाय एस। ये नॉर्मल फॉर्मूला आपने हर जगह सीखा होगा, लेकिन कोटेशन इनडायरेक्ट होता है तब सेम तरीके से यूज़ नहीं होता, तब या तो आप ऐसे कर सकते हो, वन प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, वन प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज इक्वल टू एफ बाय एस, या फिर अच्छा मैंने क्या किया पता है, ये वाली साइड मैंने बदल दी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वन प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक, वन प्लस रेट ऑफ फॉरेन इज इक्वल टू एस बाय एफ, अब मैंने ये वाली साइड बदली। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, सही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा बेसिकली। यहाँ पे भी वन प्लस आई एफ, वन प्लस आई डी, एफ बाय एस ये बदला, वन प्लस आई डी, वन प्लस आई एफ, एस बाय एफ, डायरेक्ट कोट के टाइम पे ये, इनडायरेक्ट के टाइम पे ये, क्वेश्चन में ये यूज़ किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कोटेशंस इनडायरेक्ट दिए हुए हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट क्योंकि और टाइम ज़्यादा लग जाएगा कि क्यों उल्टा होता है फॉर्मूला। कभी और वीडियो अपलोड करूँगा तो ज़रूर समझाऊँगा इस पर आपको। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ बहुत ही नाइंसाफी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब सही नहीं है जो भी नोट दिया। क्वेश्चन में डाउट क्या आता है मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में सर एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, अब दिक्कत क्या होती है, ये एक्सचेंज रेट में सर ये फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये फॉरवर्ड पॉइंट्स है स्टेट पॉइंट्स है या फिर स्वैप पॉइंट्स है, मतलब ये 50 और 60 की जगह इसको रिप्लेस करना है या ऐड और लेस करना है, ये कन्फ्यूजन था। नॉर्मली मैं बताता हूँ 99% टाइम हम ऐड और लेस ही करते हैं और वो मोर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने उनको रिप्लेस किया, देखना यहाँ पे इन्होंने लिया 48 पॉइंट, सॉरी ये तो शायद पुराना रेट है, 48.90 लिया है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, फोर्टी एट पॉइंट, सॉरी 48.50 में आपने 40 ऐड किया तो वो 48.90 आ गया, तो उन्होंने सॉरी ऐड किया हुआ यहाँ पे, हाँ सॉरी इन्होंने किया यहाँ पे ऐड, ऐड और लेस वाला मेथड आई थिंक यूज़ किया है इन्होंने, मेरे को देखने दो एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में दोनों ने दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन में सीधा सीधा देखते हैं, नोट जो उन्होंने आखिरी में दी है, इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट, इट हैज़ नॉट बिन क्लियरली मेंशन दैट वेदर द कोट्स गिवन आर 2 एंड 3 मंथ्स इन पॉइंट टर्म और आर इन प्रीमियम और डायरेक्ट कोट, या प्रीमियम है या डायरेक्ट है, ऑल द अबव सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट दीज आर डायरेक्ट कोट्स बट स्टूडेंट कैन ऑल्सो कंसिडर देम एज प्रीमियम पॉइंट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, आंसर सही होगा। इन्होंने ये बोला कि इसका मतलब वो जो नोट है वो आपको क्या बोल रहा है पता है, कि आप या तो एक्सचेंज रेट ऐसे ले सकते हो 48.75, 49, 48.90, 48 पॉइंट सॉरी 9.15, ठीक है, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो 48.25, 48.30, 48.40, 48.45। अब क्वेश्चन में पता है क्या किया गया है, क्वेश्चन में उन्होंने ये वाले रेट्स लिए, अब मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ये स्वैप पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, ये हम डायरेक्ट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन में आंसर में उन्होंने ये लिया और ये बोला कि भले ही हमने ये चीज़ यूज़ की लेकिन आप ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, 90% ऑफ द टाइम मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि ये यूज़ करो अगर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है कुछ चीज़ तो।
सो दिस इज़ इट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही ये चीज़ बताना था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये पहले की मार्किंग है तो ये थोड़ा सा हटा के वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन को मैं कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप पे पूछेगा। और हाँ, अब क्वेश्चन में दिया है कि सर ये हमको बताओ, लंदन ऑन न्यूयॉर्क और लंदन ऑन फ्रैंकफुर्ट का मतलब क्या होता है? क्या ये डॉलर पर पाउंड है या पाउंड पर डॉलर है? सर इससे नहीं पता चलेगा आपको, कल जाके वापस लंदन ऑन न्यूयॉर्क ही लिखा रहेगा और आखिरी में एक्सचेंज रेट कुछ और दिया रहेंगे। आपको पता चलेगा इससे कि ये डॉलर पर पाउंड है या पाउंड पर डॉलर है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। पाउंड, यूरो और डॉलर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है पाउंड, उसके बाद यूरो, उसके बाद डॉलर। इसका मतलब अगर आपको एक पाउंड खरीदना है ना तो एक यूरो से ज़्यादा पे करना पड़ेगा और एक डॉलर से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपको एक यूरो खरीदना है ना तो एक पाउंड से कम खरीदना पड़ेगा और एक डॉलर से ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आपको एक डॉलर खरीदना है ना तो आपको एक यूरो से कम देना पड़ेगा और एक पाउंड से कम देना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। यानी कि ये बेस करेंसी है तीनों केस में। अब हमारी सिचुएशन क्या है पता है? हमारी सिचुएशन लंदन और न्यूयॉर्क, डॉलर और पाउंड का रेट देखो एक से ज़्यादा है करेंसी, यानी कि ये वाली सिचुएशन फिट होती है डॉलर वाले केस में, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा। देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या एक डॉलर के लिए एक से ज़्यादा दिख रहा है पाउंड? नहीं, ये कम है पाउंड, यही चीज़ हो गई आपकी। यानी कि एक पाउंड के लिए एक से ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा यूरोस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको यही चीज़ दिख रही है, ये दोनों चीज़ें ऐसी ही है। इसका मतलब ये रेट हुआ डॉलर पर पाउंड, यूरोस पर पाउंड। ठीक है, ये और पाउंड आपकी होम करेंसी है, बेस करेंसी, कोटेशंस में पाउंड ही है। इसका मतलब ये कोट्स आपको इनडायरेक्ट दिए हुए हैं। सो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, आप इससे पता लगाते हो। इससे नहीं पता लगाओगे, कल जाके लंदन और न्यूयॉर्क पॉइंट समथिंग दे दिया 4-8 समथिंग, तो क्या कर लोगे? ठीक है, समझ में आया आपको? और उसके बाद 18 में कोई दिक्कत नहीं, 19 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ हो तो ज़रूर पूछना, 20 तो थेरी वाला टॉपिक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ यू दी क्वेश्चंस में जो डाउट्स आ सकते हैं और जो मिस्टेक्स है पूरे RTP में। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस थिंग टू द फुलेस्ट, एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों तक एटलीस्ट गलतियाँ तो पहुँचा दो। डोंट शेयर दिस वीडियो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, बट एटलीस्ट टेल या इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दैट अच्छा यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम करना, अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है। शेयर नॉलेज, मैंने आपको पढ़ाया, आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, हेल्प देम, अगर किसी को नहीं पता हो तो इट्स गुड टू हेल्प। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू पीपल। ऑल दो आई टुक लॉट ऑफ टाइम, आई डिडन्ट एक्सपेक्ट कि इतना टाइम लग जाएगा ये वीडियो को एक्सप्लेन, ये इन सब RTP को एक्सप्लेन करने में, बट लेट्स सी, आई होप इट्स हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म मी इफ सच काइंड ऑफ वीडियोज एंड द प्रीवियस वीडियोज दैट आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो आर हेल्पफुल टू यू और नॉट। इट विल गिव मी एन आइडिया वेर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।